क्या उसको पार करने में रिलायंस मदद करेगा क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी तक का जो इंटरडे हाई है वो रहा करीब करीब, समझ लीजिएगा कि हाई क्या लगा है रिलायंस का, इट्स 2348 एग्जैक्टली, ये भी वही एवरेज है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हल्का से बैकफुट पे आ रहा है। सचिन, आपका रिलायंस पे टेक, अभी तो ये बॉडी में ट्रेवल कर रहा है लास्ट सेशन की, और 50 डे में इसको ट्रेवल कर रहा है 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, आपकी अप्रोच रिलायंस पे क्या रहेगी? वीरेंद्र जी, यहाँ पर क्लियरली 2 दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम रहा था काउंटर में, एंड जिस तरीके से अपने प्रीवियस डे स्विंग के अंदर अभी भी ऑसिलेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। अदरवाइज ट्रेंड में काफी अच्छा बदलाव है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक्सपायरी के वक्त 2200 का लेवल होल्ड किया था, उस पर्टिकुलर लेवल से एक फ्रेश इंपल्स जनरेट हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस भी होते हैं अगले कुछ दिनों में, तो वो डिक्लाइंस अच्छे मौके होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड करने के लिए। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 2400 2430 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है, बट मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से प्रीवियस डे स्विंग हाई तोड़ने के बाद ही ये पर्टिकुलर मोमेंटम चेस करना चाहिए, या फिर एक पुल बैक अगर मिल जाता है लगभग अराउंड 2300 2310 के रेंज में, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा होगा जहां पर फ्रेश लॉन्ग कमिटमेंट्स लिए जा सकते हैं रिलायंस पे। फिलहाल तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आ चुका है, पुल बैक मिलता है तो अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी होगी 2400 2430 के लक्ष्य के लिए लॉन्ग्स बिल्डअप करने के लिए।